तो आज हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो एक मेरे पास ये है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, एंड दूसरा मेरे पास ये है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, है ना। और इसमें ए इज नॉट इक्वल टू बी दे रखा है, ठीक है। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, मान लो इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, ठीक है। बोथ इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हैव अ कॉमन रूट, तो पहले तो अगर हम लोग चेक करते हैं पॉसिबिलिटी है कि दोनों रूट कॉमन हो जाए, तो उसके लिए क्या है, 1/1, तो 1 इज इक्वल टू ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई ए, है ना। अगर बोथ रूट कॉमन चाहिए तो यहाँ से ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, लेकिन वो तो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि ए इक्वल टू बी नहीं हो सकता है, मतलब कि दोनों रूट कॉमन नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं ये दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन करके एक नया इक्वेशन बनाता हूँ, थर्ड, है ना, इक्वेशन, तो अगर मैं लीनियर इक्वेशन बना देता हूँ, है ना, तो मान लो कि मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करके तीसरा इक्वेशन बनाता हूँ, है ना, तो फिर जो भी तीसरा इक्वेशन बनेगा तो कॉमन रूट जो वहाँ पर कैरी होगा, है ना। तो अगर मैं ये करता हूँ तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, या फिर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी टाइम्स एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, है ना। तो इसको मैं तीसरा इक्वेशन बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये तीसरा मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन आएगा, मतलब एक ही रूट है। तो अगर मान लो ये इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा होता, ठीक है, और इसका इक्वेशन का रूट अल्फा गामा है, ठीक है, तो ये जो अल्फा है कॉमन रूट, तो वो ये थर्ड इक्वेशन का भी रूट होना चाहिए। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू मेरे को क्या मिल रहा है, या फिर अल्फा का वैल्यू मेरे को क्या मिल रहा है, ए माइनस बी बाई ए माइनस बी विच इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब 1 जो है वो मेरा कॉमन रूट होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं 1 को यहाँ पर डाल दूंगा तो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो 1 प्लस ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए प्लस बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग इसका बोल सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर ये सारा चीज़ समझ में नहीं आया तो पिछला वीडियो जहाँ पर हम लोगों ने ये सॉल्व किया वो जाके देख लो, और जहाँ पर हम लोगों ने कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो वीडियो जाके देख लो।